नवदीप सैनी, ये नाम इस समय भारतीय क्रिकेट में पूरी तरह से छाया हुआ है। शनिवार को नवदीप सैनी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही कमाल कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए नवदीप को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। वो डेब्यू T20 मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले 6ठे भारतीय बने। इसके अलावा वो T20 में 20वां ओवर मेडन फेंकने वाले भारत के पहले गेंदबाज भी बने। 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से गेंद करने वाले नवदीप आज जिस मुकाम पर हैं, उनके यहां तक पहुंचने की कहानी काफी संघर्ष भरी रही है। नवदीप का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। नवदीप के घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थे। उनके पिता हरियाणा सरकार में ड्राइवर थे और ऐसे में नवदीप के लिए क्रिकेट के लिए किट खरीदना तक मुश्किल था। नवदीप उस समय टेनिस गेंद से खेले जाने वाले लोकल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया करते थे। नवदीप को यहाँ खेलने के लिए हर दिन 200 रुपए मिलते थे। इस बीच करनाल प्रीमियर लीग में उनकी प्रतिभा को दिल्ली के पूर्व तेज गेंदबाज सुमित नरवाल ने पहचाना। सुमित नरवाल की मदद से नवदीप को दिल्ली की रणजी टीम के लिए नेट्स में गेंदबाजी का मौका मिला। इस दौरान नवदीप ने दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर को गेंदबाजी करवाई और गंभीर उनकी गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए। गंभीर ने नवदीप को 15 मिनट तक गेंदबाजी करते हुए देखा और उन्हें दिल्ली की टीम में लेने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए गंभीर और DDCA के अधिकारियों एवं चयनकर्ताओं के बीच काफी तनातनी का माहौल रहा। दरअसल DDCA में शामिल पूर्व भारतीय क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और चेतन चौहान नवदीप को दिल्ली की रणजी टीम में खिलाने के खिलाफ थे। उनके अनुसार नवदीप एक बाहरी खिलाड़ी है और इस टीम में सिर्फ दिल्ली के खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन गंभीर अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने सबसे लड़कर अंत में जाकर नवदीप को दिल्ली की टीम में शामिल कर लिया। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 में नवदीप के डेब्यू पर गंभीर ने बिशन सिंह बेदी और चेतन चौहान पर तंज भी कसा। नवदीप भी गंभीर के समर्थन के लिए हमेशा उनके शुक्रगुजार रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मेरी सफलता का पूरा श्रेय गौतम गंभीर को जाता है। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन गंभीर भैया मुझे यहां तक लेकर आए। नवदीप ने साल 2013 में विदर्भ के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। इस दौरान उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी तेज गेंदबाजी से हर किसी की नजर में आ गए। नवदीप को IPL 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। साल 2017 की रणजी ट्रॉफी में नवदीप 34 विकेट लेकर दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज साबित हुए। इसके बाद वो 2018 की विजय हजारे ट्रॉफी में 16 विकेट लेकर चर्चा में आ गए। उन्हें IPL 2018 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3 करोड़ की बड़ी रकम पर खरीद दिया। हालांकि इस सीजन में भी उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला। IPL 2019 में जाकर नवदीप ने अपना डेब्यू मैच खेला और सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। इस वजह से उन्हें वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारत के स्टैंडबाय गेंदबाज के रूप में जगह मिली और अब वेस्टइंडीज दौरे की वनडे और T20 टीम में भी उन्हें चुन लिया गया है। नवदीप की प्रतिभा को लेकर हमने खूब सुना है और उम्मीद करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इसकी झलकियां हमें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।